बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दिस टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन 267 पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो बेटा जी, सबसे पहले हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया ना जी, आर आयंस। यानी ये वो कॉलीगेट प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस हैं। बड़े सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टीज है? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना जी। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये वो प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की जो के सॉल्यूशंस के अंदर पाए जाने वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस पर डिपेंड करती हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेचर में वो कोई भी हो, ठीक है जी। यानी वो सॉल्यूट ग्लूकोज हो, सक्रोज हो, यूरिया हो, सोडियम क्लोराइड हो, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि डिपेंड करिए कि आपने सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल या सॉल्यूट के कितने आयंस जो हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जैसे सॉल्वेंट में ऐड किए हैं, डिसॉल्व किए हैं, इस पे डिपेंड करती है। चलें कुछ आपको एग्जांपल्स देखें। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी। बेटा जी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी राउट्स लॉ वाला, जब आपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किया था, उसमें भी सिखाया था, फिर रिवाइज कर रहा हूं। कोई भी लिक्विड हो, उसकी सरफेस से क्या होती होती है? एवेपोरेशन होती है। क्या होती है? एवेपोरेशन होती है। और जो ये जो डबल डैश वाले हैं, ये मैंने क्या बनाए हैं? ये वेपर्स बनाए हैं, ठीक हो गया जी। ये मैंने क्या बनाए हैं? वेपर्स। और ये क्या है? लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो वेपर्स मॉलिक्यूल्स। वेपर्स दोबारा से वापस लिक्विड स्टेट में तब्दील होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक हो गया, कंडेंसेशन। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवेपोरेशन से किसमें तब्दील होते हैं? वेपर्स में। और वेपर्स किसमें तब्दील होते हैं? कंडेंसेशन से लिक्विड में। तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, उसकी आखिरी मंजिल क्या होती है? इक्विलिब्रियम, ठीक है ना जी। आखिरकार इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जहां पे रेट ऑफ एवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस इक्विलिब्रियम पर वेपर्स जितना प्रेशर जो है, वेपर्स जितना प्रेशर जो है वो लिक्विड की सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे, उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स, ठीक है ना जी, व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स ओन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चैप्टर फोर में भी आप डेफिनेशन ये देख सकते हैं जी। तो बेटा जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट, लेट्स सपोज आप 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने मेजर किया, 50 टॉर है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं 50 टॉर है इसका वेपर प्रेशर, आपने मेजर किया बैरोमीटर की मदद से या मैनोमीटर की मदद से। फिर अब आपने क्या किया, इसी सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। ये ब्लैक डॉट्स कौन है? सॉल्यूट। ब्लैक डॉट्स कौन है? सॉल्वेंट, ठीक हो गया जी। तो भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब ये प्योर लिक्विड नहीं रहा, अब ये मिक्सचर हो गया है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक हो गया ना जी, जिसमें सॉल्यूट मौजूद है। सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसने सॉल्वेंट की यानी लिक्विड का सरफेस एरिया भी कम कर दिया। देखें,
पहले एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मॉलिक्यूल थे, सिर्फ सिर्फ कौन सरफेस एरिया बना था, पूरे का पूरा प्योर लिक्विड ही बना रहा था। अब बीच में सॉल्यूट भी मौजूद है, ये सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, फर्ज कर ले नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन वोलाटाइल जो वेपराइज नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज नहीं होता, समझ आ गई बात। तो नतीजतन यहां से इस जगह से अब वेपर्स बनने क्या हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे। जब वेपर्स थोड़े बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा उसे हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज वाई, आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। क्या जी, कि वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड इन दीज, जो है द रीजन इज दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन द रीजन इज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन द सरफेस ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस द एवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी। तो जब लिक्विड के वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो बेटा जी क्या होगा फिर, तो कम हो गया, ठीक हो गया सर जी। तो भाई पी नॉट में से पी कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डेल पी। ये डेल पी डिपेंड कर रहा है कि इस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि आपने सॉल्यूट कौन सा डाला है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने सॉल्यूट कितना डाला है। आप जितने ज्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होता जाएगा, ये लोअरिंग है। डेल पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैंने तो लिखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना जी। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के मॉलिक्यूलों की तादाद के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक हो गई। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जी। अब बेटा जी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा जी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटा बात सुने, आपको पहले बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए सर जी। वो टेम्परेचर जहां पे एक लिक्विड बॉयल करता है, ऐसे ही है ना जी। लिक्विड क्यों बॉयल करता है, जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके वेपर्स, उसके रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ता है। वेपरेशन बढ़ने, रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ने से वेपर्स की तादाद बढ़ती है, वेपर्स की तादाद बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड में से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस बबलिंग को हम क्या कहते हैं, बॉयलिंग। The temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure is called boiling point. ठीक हो गया। If vapor pressure of a solution, अब solution याद रखिएगा pure liquid नहीं है, mixture है, और उसका vapor pressure क्या होना है, कम होना है, किससे, pure से। If vapor pressure of solution decreases, तो फिर boiling point increase, क्योंकि फिर ज्यादा heat करना पड़ेगा vapor pressure को external pressure के बराबर करने के लिए। If vapor pressure of solution decreases, its boiling point increases due to presence of solute. तो increase in boiling point of solution, boiling point pure liquid का boiling point, आप कहते हैं सर जी pure liquid का boiling point क्या जी, T1, और boiling point of solution वो हम हमने क्या कह दिया जी, T2। और हम हमने कह दिया कि T2 जो है वो बड़ा है किससे, T1 से, क्योंकि सॉल्यूट डाल दिया गया है। सॉल्यूट डालने से वेपर्स कम बनेंगे तो फिर ज्यादा गर्म करना पड़ेगा वेपर्स को बढ़ाने के लिए, हाई टेम्परेचर पे वो जाके फिर बॉयल करेगा। तो इसलिए तो डेल टी बी क्या हो गया फिर, टी टू माइनस टी वन, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डेल टी बी। ये डेल टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। अब बेटा जी अगली बात की तरफ चलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स कोएग्जिस्ट टुगेदर। वो टेम्परेचर भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर कोई चीज जमती है। जमने का मतलब क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में तब्दील होना, ठीक है ना जी, लिक्विड का सॉलिड में तब्दील होना जी। तो वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। वो टेम्परेचर आप फ्रीजिंग पॉइंट को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड एंड सॉलिड फेज ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, जिनका वेपर प्रेशर एक जैसा हो, ठीक है ना जी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग
पॉइंट जी, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। अगर वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का कम होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक हो गया ना जी, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा तो वो पहले से लो टेम्परेचर पे जाके, पहले से लो टेम्परेचर पे जाके जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड फेज अपीयर होंगे। ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी इस तरह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड आप कहते हैं जी टी वन है, ठीक है ना जी। तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अब वो क्या हो जाएगा टी टू, तो इस मतबा टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, यानी टी टू स्मॉलर है। तो फिर भाई डेल टी एफ डिक्रीज इन, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ, जो कि T1 माइनस T2 करके आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। इन सब का तल्लक किसके साथ है, वेपर प्रेशर के साथ है। और सॉल्यूट डालने से लिक्विड का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रेट ऑफ वेपोरेशन कम हो जाता है, और इसलिए जो है वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी वजह से हमने कहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी सॉल्यूट पे की मात्रा पे डिपेंड करती है, मकदार पे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी सॉल्यूट की मकदार पे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ये बड़े ऑस्मोटिक प्रेशर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब बेटा जी अगला काम शुरू हो गया, और वो अगला काम क्या है, वाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड, सॉरी एप्लीकेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, एप्लीकेशंस मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी, व्हाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जरा देखें, मैंने आपके सामने तीन सॉल्यूशंस बनाए हैं ए बी सी। ए सॉल्यूशन के अंदर 6 ग्राम यूरिया को मैंने 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है। बी सॉल्यूशन में 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 500 ग्राम वाटर में, इसमें 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज को 500 ग्राम ऑफ वाटर में। मेरा आपसे सवाल है कि किस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट देख जैसा ही है, ठीक है ना जी। तो आप कहते हैं सर जी सुक्रोज जो है सी सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें 34.2 है, तो फिर सबसे ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस में आएगी, आप तो सी सॉल्यूशन का कहेंगे, ठीक है ना जी। तो आप क्योंकि जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा सरफेस एरिया उतना कम होगा और वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो आप हमारे ख्याल के मुताबिक तो ये सी सॉल्यूशन को ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी कुछ और मामला है, वो जरा कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी। बेटा जी जो है मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन निकालते हैं, 6 ग्राम ऑफ यूरिया को जो है ना वो मोलर मास ऑफ यूरिया से डिवाइड करते हैं जो कि 60 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं। देखें आपको सबको पता होना चाहिए कि ये 500 ग्राम किसके, 500 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो क्या होता है 0.5 किलोग्राम के। मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है सबको, मैं जरा लिख दूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई किया, नहीं मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड ही कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और वो किसमें चाहिए किलोग्राम में। तो देखें ए सॉल्यूशन की मैंने मोलैलिटी निकाली है, 6 ग्राम को 60 से डिवाइड किया है तो बेटा ये क्या बन जाएगा 0.1 मोल, ऐसे ही हो गया। और फिर उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 0.5 से किलोग्राम से, तो ये 0.1 मोल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये तकरीबन बन जाएगा 0.1 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करें तो ये बेटा जी बनता है 1/10 एक बटा 0.2 बनता है, 0.2 मोल। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं 0.1/0.5 मोल पर किलोग्राम, ठीक हो गया। अब जरा देखते जाइएगा
बड़े मैसा सोल्यूट डिवाइड बाई फिर इस तरह से। अब मैं फार्मूला रेज कर रहा हूं, मोलैलिटी का फार्मूला था पहले भी समझाया हुआ है, पहले लेक्चर में आपको यही समझाया था जी। फिर मोलैलिटी ऑफ बी सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन में क्या 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास बड़ा क्या होता है 180 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाइड कर दे फिर 0.5 किलोग्राम यानी 500 ग्राम पे किलोग्राम बनाएंगे तो 0.5 किलोग्राम बन जाएंगे। तो देखें तो जरा एम बी फिर क्या आ रहा है 0.1 वही आ रहा है कि नहीं 0.5, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वही आ गया, ठीक होगा नहीं, तो भाई जान वही कुछ आ गया मोल पर किलोग्राम। ये बड़ी एक अजीब सी बात होती जा रही है। सेम यही मामला किसके साथ है, एम सी सी सोल्यूशन के साथ है, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाई 342 ग्राम पर मोल, ये ग्राम है ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम पर मोल कौन होती है मोलर मास, जिन बच्चों को वो फार्मूला आता है उनको ये भी आना चाहिए, ठीक हो गया ना जी। तो फिर वही 0.5 किलोग्राम, तो इस मरतबा भी आपके पास सेम रिजल्ट्स हैं 0.1 ठीक है मल्टीप्लाइड 0.5 यानी 0.1 बाई 0.5 मोल पर किलोग्राम। तो हमने जब मैस की बजाय मोल्स के ऊपर फोकस किया तो पता चला कि ये तो एक जैसे मोल्स हैं, ये तो क्या है एक जैसे मोल्स हैं। बड़ा कि किसी मोल्स के मॉलिक्यूल्स निकाल लो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देते होते हैं एन ए एवोगैड्रो नंबर से, 0.1 मल्टीप्लाइड 6.02 10 पावर 23। तो भाई हम सबको पता है कि 0.1 क्या होता है, ठीक है ना 10 पावर -1 भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए मैं आपको सबके लिए 1/10 ठीक है ना जी, तो यानी इसको मैं 10 पावर -1 भी लिख सकता हूँ 6.02 10 पावर 23, तो हल करके ये क्या आ जाएगा 6.02 10 पावर 22 ठीक है ना जी। तो ये जो सॉल्यूट हमने 0.1 मोल असल में हमने क्या निकाला है कि हमने 6 ग्राम यूरिया जो 500 ग्राम पानी में डाली है, तो दूसरे लफ्जों में हमने जो है वो 6.02 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स जो है वो यूरिया के डाले हैं, ऐसे ही है ना जी। तो सब में बेटा जी हमने ऐसे ही किया है, यानी कि दूसरे लफ्जों में 6.02 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एक जैसे पानी में डाले हैं तीनों के अंदर। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ज्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेगा, ये सरफेस एरिया कम करेगा, नहीं सब में एक जैसा ही वेपर प्रेशर लो होना है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलों की तादाद पे डिपेंड करता है, ठीक है नहीं। वो तो सब में ये 6 ग्राम में भी के भी मॉलिक्यूल इतने बनते हैं, 18 ग्राम के भी इतने मॉलिक्यूल बनते हैं, 34.2 के भी इतने बनते हैं, 0.1 मैंने भी आपको बताया तो है 0.1 को आप 6.02 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो 6.02 10 पावर 22 आता है। तो भाई ये तो सारा एक जैसे ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे तो सब में फिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी एक जैसा होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी एक जैसा होगा। तो बेटा जी इस एग्जाम्पल से साबित हुआ कि कॉलिगेट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। देखें यहाँ पे यूरिया नेचर है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे सुक्रोज है, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया बेटा जी। तो ये आपका ये बेटा जी सारा मैंने पढ़ा दिया है पेज 267 पे, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर हायर देन द प्योर सॉल्वेंट, इट इज ऑब्जर्व दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशंस इज 0.052 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.1 मोल आप डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप 0.1 मोल डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, देखिए 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट increases boiling point of water, वो boiling point में कितना इजाफा करता है 0.052 degree Celsius,
और अगर एक मोल आप सॉल्यूट डालें, वन मोल ऑफ सॉल्यूट डालें, तो फिर भाई बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होगा भाई, 0.052 को पकड़े 0.1 से डिवाइड कर दें, यूनिटी मेथड, ठीक हो गया ना जी। देखिए ये पहले इससे निकाला फिर इससे निकालेंगे एक मोल से, तो वो निकल आता है कितना जी, 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो यानी एक मोल सॉल्यूट अगर आप डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पानी का ओरिजिनल प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेट सपोज मैं इसको T1 भी लिख देता हूं, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन मोलेल सॉल्यूशन कौन है, ठीक है ना, हैविंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट T2, तो अब उसमें इजाफा कितना होगा, 100 प्लस 0.52 100.52 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डेल टी बी। तो जारी बात है डेल टी बी कैसे आपको हमने निकालना सिखाया हुआ है, डेल टी बी क्या है, T2 माइनस T1। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा के बैठा हूं, ठीक है ना जी, कि अगर आप वेप सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक मोल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होगा, ठीक है ना जी, वो हमने निकाल लिया कि एक, देखें 0.1 मोल डालने से इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट 0.052, एक मोल डालने से 0.52, ठीक हो गया ना जी। तो अब हमने आपको बताया कि वैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन एक मोल सॉल्यूट डालने से, एक मोल सॉल्यूट 1 किलोग्राम पानी में डालने से उसका नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी जब हम 100.52 डिग्री सेल्सियस में से 100 को माइनस करेंगे तो 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो ये डेल टी, ये 0.52 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो है ये वाटर की क्या कहलाती है, मोलेल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है ना जी। यानी 1 किलोग्राम पानी में अगर आप 1 मोल सॉल्यूट, 1 किलोग्राम पानी में आप 1 मोल सॉल्यूट डालते हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट में 0.52 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो जाएगा जी। इसी तरह से बेटा जी हम फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी निकाल सकते हैं, वो भी आपकी किताब में निकाली गई है, जरा पेज 268 पे देखें। ऑल दीज थ्री सॉल्यूशंस विल बॉयल एट 100.52 एंड फ्रीजेस एट -1.86। These values of elevation of boiling point and depression of freezing points are called molar boiling point constant and molar freezing point constants denoted by KB and KF. तो ये बड़ा जी, these are also named as abelioscopic and cryoscopic constants. तो these constants depends upon, बड़ी अहम बात है, these constants डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट की नेचर पे, सॉल्यूट की नेचर पे नहीं, एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करते, अलबत्ता किस पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट की मकदार पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा जी जरा देखें मैं दोबारा से, किसकी, KF जिसे क्या कहते हैं, मोलेल KB मोलेल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट आर अबिलियो ABULLIO अबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूं, इट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना जी, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल
नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड इट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है ना जी। तो एग्जाम्पल गिवन 0.52 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। अच्छा जी, इस तरह से बेटा जी केएफ या मोलेल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जी। इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड। ठीक है ना जी। एग्जाम्पल गिवन जो है 1.86 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो इस तरह से बेटा जी, तो ये है। तो अब बेटा जी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई नहीं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया ना जी। तो कंडीशंस फॉर कॉलीगेट प्रॉपर्टीज, आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, एमसीक्यूज भी है, कंडीशंस फॉर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कंडीशंस क्या है बेटा जी, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, एक, दूसरा सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, दो, एंड सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबको अमीन असर अमीन शुक्रिया।